GoPro इतनी लेट लगा रहे खुलने में, मैं जैसे ऐसे अंदर बैठा हुआ था एंड मम्मी ने मेरे को बाहर बुलाया, मैं तो पता नहीं भाई क्या बात होगी, तो मम्मी ने तो नहला दिया शेर खान तू भी नहाएगा, उसके बाद तेरी बारी है शेर खान, मेरे को शेर खान भी नहा रहा, सो जाओ सन बात लो आप पहले आराम से। एंड मेरा YouTube का जितना भी काम रहता है ना YouTube से रिलेटेड मोनेटाइजेशन ये वो सारा शेखर भाई देखते हैं, क्योंकि शेखर भाई को इस फील्ड में प्रॉपर नॉलेज है ना, एंड मेरे को इस फील्ड में नॉलेज नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत है बट मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता यूट्यूब से रिलेटेड। तो हाँ फटाफट शेखर भाई का चलते हैं, शेखर भाई से मिलते हैं, इसे वेरीफाई कराते हैं। खाने में हम लोग खा रहे हैं खिचड़ी साथ में हरी सब्जी, एंड बाय द वे मैंने घी लेके आ गया था, घर में घी खत्म हो रखा था तो मैं ताई के यहाँ गया था, ताई के यहाँ से ये चेक करो तुम भाई घी इतना मस्त लगता है ना भाई, तो फटाफट खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद मिलते तुम लोगों से, ठीक है। पहली बार चल रही ना आज वॉकर में, हेलो हेलो भाई, अभी का सीन कुछ ऐसा है, अभी तुम लोगों को टाइम दिखाता हूँ, इसके 8 मिनट हो रहे हैं, मैं जस्ट घर में था एंड गोपू भाई आए, तो बेसिकली गोपू भाई और मैं जा रहे हैं अभी थार के शोरूम, क्योंकि हम लोग निकाले नई थार, जस्ट अभी थार देख के आए, मैंने बोला कि तू भी चल तुझे दिखाना हूँ कहाँ पे है शोरूम थार का, हरिद्वार बाईपास, तो अभी बाईपास रोड पे इसका शोरूम है, आप भी आए गाइस। और क्या भैया थार में बैठे, भैया ने बोला कि ना तू दोबारा चल, हम लोग कितनी दूर हो गए हरिद्वार भैया, मुश्किल से 25 किलोमीटर पे, 25 किलोमीटर दूर है यहाँ से हरिद्वार, भैया ने बोला कि तू दोबारा चल, अभी भैया शोरूम से आया, मैंने बोला कि तू भी चल, तू भी देख, तू भी बैठ के देख उसमें, तो हाँ बहुत जल्दी हम लोग थार लेने वाले हैं, बट ये वाला व्लॉग हम तब लाइव करेंगे जब थार घर में आ जाएगी, एंड बाकी जो जो होगा कलर्स वगैरह वो हम तुम्हें वहीं जाके दिखाते हैं, फुल पावर सीन गाइस, रात के सीन ये चेक करो, हम लोग अभी जा रहे हैं, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं थार के शोरूम में, आई नो ये चीजें काफी जल्दी हो रही हैं, अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं, बट कुछ नहीं कह सकते भाई भाइयों का, तो मैं अभी गोप्रो से शूट कर रहा हूँ, कैमरा हम लोगों ने ना बैग में रखा हुआ क्योंकि ना लाइट एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा मैं, तो हाँ अभी भी पता गोप्रो में कैसे शूट कर रहा हूँ मैं, पीछे ना फोन की फ्लैश लाइट लगा रही है, एंड अभी अंदर जाके हम लोग कैमरा सेट करेंगे, लाइट वगैरह सब प्रॉपर, तो अंदर चलते हैं मिलते हैं तुम लोगों से, ठीक है अब कैमरा निकालते हैं, कैमरे से लॉक करते हैं, ठीक है। हाँ जी हम लोग कर रहे हैं अब सोनी वाले कैमरे से शूट, बट मेरे को ऐसा लगता है कि हमें इसे बंद करके रख देना चाहिए, क्योंकि मैं अभी भी कंफर्टेबल नहीं हूँ इसे ब्लॉक करने में, गोप्रो छोटा सा है ना, गोप्रो से तो भाई मस्त इतना छोटा होता है गोप्रो, देखो इतना छोटा सा है, बट इसकी जो क्वालिटी होती है ना वो बहुत गंदे लेवल की होती है, बहुत गंदे लेवल की, तुम ये चेक करो तो पहुँच चुके हैं यहाँ पे, एक्साइटेड हो बहुत वाली, बट कलर काफ़ी अलग है, देख लो लाइट वाले जूते, एक टाइम को मैं भी पहनता था जब छोटा था, पता है तुम लोग जैसे ये सोचोगे हमारे वाली थार कौन सी है, तो अब बैक कैमरे से दिखा दो तुम लोगों को भाई, इसके अंदर बैठने का फील ही अलग है, ये भी हम लोग ने अंदर से बाहर बैठने भाई थार में बैठने की फीलिंग ना कसम कसम अलग है बिल्कुल, भाई तो हमको कूलर में बैठे थे अभी वो वाली चेक करो तुम, उसमें भी ना काफ़ी कम्फर्ट है, बाकी अब बैठते अंदर फिर बात करते हैं। व्लॉगिंग का तो मैं तो पता है हमेशा से गोप्रो को सजेस्ट करता हूँ व्लॉगिंग, मेरे को ना भूख भी काफ़ी लग रही है, सबसे बेकार चीज़ चाय भी नहीं पी, घर से शाम की चाय पी के आया था उसके बाद नहीं पी, एंड सबसे बेकार चीज़ ये हुई हम लोगों ने आज व्लॉग अपलोड नहीं करा, क्योंकि ना भैया ने बोला कि चल अभी डिलीवरी लेनी है, तो मैं व्लॉग ना एडिट कर पाया ना अपलोड कर पाया, तो आज का व्लॉग तो ऐसे ही हो गया, दिवाली वाली जोन बावड़ी पानी भी दे देना एक्चुअली खराब नहीं होती ना गाइस, यहां पे अंकल जी कर रहे हैं पूजा, मंत्र तो बोलो अंकल जी, ओम मंगल भगवान विष्णु, सालों की सब चीज़ अच्छी थी बट सबसे बेकार चीज़ मुझे लगी भाई, इन्होंने ना सोन पापड़ी का डब्बा दिया है, मुझे पता सुन के बता दिया मैंने सोन पापड़ी इसमें, XUV300 को बाय बाय बोलते हैं भाई, काफ़ी साथ दिया इस गाड़ी ने, शुक्रिया मेरी जान इतना साथ देने के लिए और इतनी अच्छी मेमोरीज के, फिर आई लव यू आखिरी बाय गाइस, इसे ये बाय, थैंक यू भैया, अभी ग्राफिक रखे थे गाइस, भैया ने देखा मैंने पहचान लिया, क्योंकि भैया 2019 बैच के हैं,
हमारे कॉलेज व्लॉग्स तो पूरे ग्राफ वगैरह में फेमस है गाइस। क्या फील आ रहा है इसे चलाने में? आती लग रही है ना ऊंची भयंकर। इसमें तो बैठ के ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि यू वोंट बिलीव, मतलब काफी ह्यूज साइज है इसका। ये देखो ओ भाई, ये तो साइज में भी ऐसे लग रही है जाते चलाते हैं। मेरी फैमिली में ये चीज किसी को नहीं पता, ये सिर्फ आशु भाई मुझे पता है। मेरे को भी, मैं ना अंदर व्लॉग एडिट कर रहा था एंड आशु भाई ने बोला कि चल ये कुछ काम है, फिर भाई ने मेरे को बताया कि थार की डिलीवरी लेनी है। मैंने भैया को ये चीज़ बोली कि भैया कल लेंगे, कल कॉलेज से आ जाऊंगा तब, पर भैया ने कि नहीं आज आज लेनी है तो आज ही लेने चल। 10 बजने वाले हम लोग ऑलमोस्ट 10:30 से 11 तक पहुँचेंगे सर, एंड इसका फर्स्ट फ्यूल अप कराते हैं भाई दबे। एंड तुम लोग वो चांद देखो कितना मस्त लग रहा है ना। म्यूजिक इंडस्ट्री में तुम बंदूक लाना चाहते हो, गाने चलाने के लिए पैसा क्यों लगाते हो। फाइनली हम लोग अपने घर पहुंच चुके हैं, फटाफट चलते हैं। और बाय द वे तुम वो चेक करो, टंकी इंतजार कर रहा है अभी घर में। हेलो टंकी, हेलो आया। ये ऐसा लोमड़ी सा लगता है ना, पूरी सफेद लोमड़ी थी। ये देखो, मैं तभी तो आवाज़ नहीं करता यहाँ आके ना, जितने सारे गुड बॉयज है ना सारे आवाज़ पहचाने रहे, धीरे धीरे करके ना सब हो गए। वो बाय द वे जिमी ने आवाज़ पहचानी ना, भौंकना शुरू कर देता।